Almost. We did it. अभी इतना कुदकना भी नहीं है, गिर जाएंगे तनाव करके। हो गया, अभी व्यू भी रेडी हो रहा है क्योंकि एक्चुअली हम लोग आज जा रहे हैं चिड़िया टापू घूमने के लिए। बेसिकली जो मुंडा पार मैंने बोला था जाएंगे ट्रेक करने के लिए, वहाँ पे बेसिकली आज जा रहे हैं, लेकिन अभी टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 3:30 क्योंकि मेरा सुबह थोड़ा काम था, इस काम के लिए लेट हो गया। एंगल मेरा धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, मतलब पहले मैंने कैमरा ऐसा पकड़ा था, अभी ऐसा पकड़ता हूँ, धीरे धीरे करके कैमरा एंगल सॉल्व हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा है, कभी यहाँ कट हो जाता है, कभी यहाँ कट हो जाता है, थोड़ा सा इशू बन जाता है ये सब, लेकिन वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। लुक एट दिस व्यू, खतरनाक वाला है व्यू। मेरे को इसीलिए मैं ज़्यादातर चिड़िया टापू आता हूँ सिर्फ ये व्यू के लिए, इतना सुंदर व्यू है ना। और यहाँ पे खतरनाक बर्ड वॉचिंग जो करते हैं ना, यहाँ पे आने के लिए अच्छा, जिनके भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे, लेकिन अभी ये कैमरा में रिकॉर्ड होगा कि नहीं पता नहीं। वहाँ पे एक बैठा है छोटा सा, मेरे को दिखाई दे रहा है किंग फिशर का एक मतलब विलुप्त एक जात है वो वाला वहाँ पे दिखाई दे रहा है, खतरनाक वाला है। यहाँ पे बर्ड दिखाई देता है, जो बर्ड वॉचिंग करता है, बर्ड स्पेशलिस्ट है, वही दिखाई देगा। जो जगह है ये है सनसेट व्यू देखने का जगह, ये प्योर जिसको सनसेट पॉइंट बोला जाता है वो जगह यही है, लेकिन अभी हम लोग जाएंगे मुंडा पार अंदर। एक रजिस्टर करना पड़ता है कि कितना लोग अंदर जा रहे हैं, जैसे हम दोनों अंदर गए तो दोनों का नाम लिखाना पड़ा, मैं स्कूटी लेके आया तो स्कूटी का ही देना पड़ा, मैं कहाँ पे रहता हूँ एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर देना होता है क्योंकि सेफ्टी रीज़न। सो ये देखे मैं अंदर आया, मेरे को 4:40 तक टाइम मिला है, अभी देखते हैं कितना दूर तक ट्रेक कर पाते। ट्रेक छोड़ दो, यहाँ पे जितना बीच आप इंजॉय कर पाओगे ना वही काफ़ी है। चलिए, यहाँ से एक ट्रेक होता है जो जाता है सुसाइड पॉइंट, बेसिकली बहुत ही सुंदर है वो जगह देखने में। सो फार सो गुड, अभी ट्रेक तो करना ही है लेकिन कितना दूर तक जाना है वो अभी फ़िलहाल पता नहीं। ये चीज़ अंडमान का बहुत खासियत है, ऐसा पेड़ काट के सीट बनाना, ये बनाना जो यहाँ पे सिर्फ ये मुंडा पार आने के टाइम में आपको दिखा जाएगा। और ये जो पेड़ होता है, लंबा लंबा जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका नाम जो होता है पादुक, इसका नाम है पादुक। भी नहीं गया इससे पहले, मैं यहाँ तक आया मतलब वो मेन गेट तक, उसके बाद मैं नहीं आया। सो आज पहला बार मैं इतना दूर तक आया, और उसके साथ साथ ये जो ट्रैक पे जाना होता है ये भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ पे है ये वाला, लेकिन सबसे सुना है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और फोटोजेनिक भी है। अभी फ़िलहाल जाते हैं, देखते हैं कितना दूर तक हम लोग जा पाते हैं। एग्जैक्ट मेरे को जगह मालूम नहीं है, लेकिन ढूँढ रहा हूँ, ढूँढने से मिल जाएगा जगह, ऐसा नहीं है कि ढूंढने से नहीं मिलता, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, क्योंकि ट्रैक तो बहुत ही छोटा बात है। यहाँ पे भी आपका प्यार मोहब्बत का एकदम निशाना छोड़ के गया है, ऐसा करना नहीं चाहिए, गंदा हो जाता है। ऐसा लग रहा है ये वाला ही ट्रैक पॉइंट है, आई थिंक सो। दिस वे, जंगल के अंदर से
अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जल्दी जल्दी पैर चलाओ तो अच्छा होएगा। अरे बाप रे, रास्ता देखो खतरनाक वाला। फिलहाल मैं ये वाला फोन को ऑफ करता हूँ, मेरा दूसरा वाला फोन को निकालना पड़ेगा। सो ऐसा उबड़ खबड़ स्लीपरी रास्ता के लिए मैं बेसिकली सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा वाला शू पहनो ताकि फिसल ना जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को डर लगता है क्योंकि डेन फॉरेस्ट है, सूरज का रोशनी तक भी अंदर नहीं आता है, इतना घना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द पॉइंट बहुत ही सुंदर व्यू है। फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, वो भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा तो बनता है भाई। तो ऑलमोस्ट हम लोग ट्रैक क्रैक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द पॉइंट में आ गए हैं क्योंकि अभी साउंड सुनाई दे रहा है समुंदर का। सो थोड़ा अच्छा लगता है, इतना दूर तक आने के बाद अच्छा लगता है। बोर्ड दिख गया मतलब बहुत ही अच्छा है। दिस वे चलो, हम लोग कर दिए, यस ऑलमोस्ट कर दिए, थैंक गॉड ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा सा ये साइड से हम लोगों को जाना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ, ऑलमोस्ट वी डिड इट। अभी इतना कुदकना भी नहीं है, गिर जाएंगे तराम करके। गिव अप कर दिया, पीयू गिव अप नहीं किया, मैंने किया क्योंकि सिक्योरिटी रीजन एक बन जाता है। हम लोगों को 4:40 का टाइम दिया, अभी देखो यहाँ से उतरने में ही हम लोगों को 5:10 हो जाएगा। सो हम लोग मिडिल पॉइंट तक आए, एकदम मिडिल जो पोर्शन है सुसाइड पॉइंट का वहाँ तक आए, एकदम मेन पॉइंट पर नहीं गए क्योंकि वो टॉप पॉइंट नहीं है, वो थोड़ा सा डाउन टू अर्थ है, मतलब और भी नीचे जाके फिर एक बार चढ़ाई है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ तक ही गिव अप कर दिए। नेक्स्ट टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली वही बात है कि टाइम नहीं है हम लोगों के पास। जंगल के साथ छेड़खानी नहीं, और अंडमान के जंगल के साथ एकदम भी नहीं छेड़खानी, तो एकदम भी नहीं। तो जो टाइम दिया है कुछ मैटर है करके ही वो लोग टाइम दिया है कि 4:40 के अंदर रिटर्न आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूंखार सब चीजेस है, मतलब चीज़ है यहाँ पे, इसलिए ये लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करके रखता है। और ये चीज़ मानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए ये लोग बोलते हैं ये सब कुछ टाइमिंग वगैरह। सो हम लोगों को मानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक ग्रुप लड़की लोगों का ग्रुप आ रहा है तो उसमें ये है, लेकिन जब कपल आ रहा है ना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए इसीलिए। सो डेढ़ घंटे का ट्रैक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो 2.5 घंटा हो जाता है, 1 घंटा ज़्यादा क्योंकि धीरे धीरे रुक रुक के जाएगा इसीलिए, लेकिन ठीक है 2 बजे आने से काफ़ी है। इतना सुंदर फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे बैठ के आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। हम लोग इतना देर तक फोटोग्राफी किए, अभी वो फोटो देखने के लिए मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो फोटो मिलेगा ना बहुत ही सुंदर फोटो मिलेगा, सच्ची बात बोलता हूँ। मेरा फोटोग्राफर तो पर्सनल फोटोग्राफर यहाँ पे है, तो मेरा बीवी मेरा पर्सनल फोटोग्राफर है, वही मेरे को फोटो क्लिक करके दिया अच्छा अच्छा। लेकिन मैं तो एकदम फोटोग्राफी में जीरो हूँ, जितना भी आता है मेरे को ब्लॉगिंग ही आता है, वही से ये जगह आओ काफ़ी है। फोटोग्राफी करके आपको अच्छा व्यू मिलेगा, समुंदर का व्यू, एक साउंड अच्छा व्यू मिलेगा, फोटोग्राफी करेंगे टाइम स्पेंड होगा, बहुत ही अच्छा ही लगेगा। लेकिन इसके बाद मत जाइए क्योंकि फिर जाने के बाद अभी यहाँ से भी यहाँ तक जाने के लिए 1 किलोमीटर है, वो 1 किलोमीटर जाके फिर आने में भी टाइम लग जाएगा। सो बी से यहाँ पे ही रही। सो ऐसा लग रहा है जैसे डिस्कवरी चैनल में हम दोनों काम करते हैं, अभी बहुत कुछ ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, ऐसा वाला फील हो रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और एक चीज़ क्या है, डेन फॉरेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए ही मैं नहीं गया वहाँ पे क्योंकि ये डेन फॉरेस्ट है, सूरज का रोशनी वैसे भी पूरा धूप में भी नहीं आएगा अंदर, और अभी तो और भी है क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है 5:30 और अभी 5 बज रहा है। सो कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, आराम से नीचे अभी उतरने वाले, थोड़ा बीच में टाइम स्पेंड करके एक अच्छा सा टाइम लैप्स दोनों जगह पे निकाल के सीधा घर के लिए हम लोग रवाना होंगे। खतरनाक व्यू होता है यहाँ का, सच बात बोलने से सनसेट पॉइंट 2 जगह में अंडमान में फेमस है।
एक तो ये चिड़िया टापू ये पॉइंट है, और दूसरा जो है वो है कि राधानगर में जो हैदराब है। स्नैक्स वगैरह खाने वाले भी नहीं थे क्योंकि अभी बाहर का खाना थोड़ा बंद कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जीरो फैट होने वाले हैं हम लोग, करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सकता है, तो इसलिए हम लोग निकल गए। हाँ, मेन हेल्थ इशू हेल्थ अच्छा रखना है, तो इसलिए हम लोग निकल गए अभी आराम से इसका मौज लेके रेन फॉरेस्ट का सीधा घर। सनसेट हो गया है, हम लोग अभी आके यहाँ पे बैठे। मैं बीच में एक बार कॉल किया मेरा ऑफिस कलीग को कि आज कुछ काम है कि नहीं अभी इवनिंग में, बोल दिया कि नहीं है। मैं बोला ठीक है चलो भाई, थैंक गॉड बच गया, नहीं तो हो जाता है, ऐसा नहीं होता, मैं भगा के गाड़ी लेके जाता। लेकिन फिलहाल ये जो टाइम है अभी दोनों मिलके थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यही अच्छा लगता है, यही अच्छा है। कुछ भी नहीं खिलाया, कुछ भी पिलाया। अभी रास्ते में जाने के टाइम हम लोग खाएंगे ना, मैं उसको बोला कि रास्ते में जाने के टाइम ऑन द वे वहाँ पे खाएंगे, सनसेट पॉइंट में वैसे ही वो महंगा है, तो यहाँ पे थोड़ा रुक के यहाँ पे कहीं पे आगे जाके खा लेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा। वो फ्रूटी पीना मिल जाएगा? नहीं, आगे मिल जाएगा, आगे है, आगे मिल जाएगा। अभी कहाँ से मिलेगा? अभी ना दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है, आगे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा आगे। मैं हूँ ना तुम हो, इसीलिए तो मुझे प्रॉब्लम है। मैं हूँ ना का शाहरुख खान नहीं है, मैं हूँ अनिर्बान है, मिल जाएगा। आंखें देखो, ये अभी क्या सोच रहा है कि ये चीज क्या है, ये कौन सा जानवर है, ऐसे यहाँ पे बैठा है। बेसिकली मैं टाइम लैप्स निकाल रहा हूँ और ये बहुत देर से खड़ा है इसको देखने के लिए कि ये क्या है। ये देखो डर के मारे यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। बैठो बैठो वहाँ पे ही बैठो। स्वप्न पूरण সেটা হচ্ছে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমার ঘরটাকে আমি একটু রিনোভেট করব। সো মানে সাজাবো, ঠিক রেনোভেট নয় সাজাবো। সো ওর খুব কষ্ট হতো যে মাটিতে বসে খেতে, ও একদম মাটিতে বসে খেতে পারে না, এই জন্য আজকেই এটা আনা হলো। फर्स्ट टाइम मेरा बीवी कैमरा पकड़ के बात किया, छोड़ो बंगाली में बात किया, लेकिन असल में अपना मन का बात तो किया। चलो यही मेरे लिए बड़ा बात है आज, बहुत ठीक है, बंगाली में ही डालना, बंगाली में ही डालना, और मैं उसको खुश कर पाया यही मेरे लिए काफ़ी है। ये बहुत दिन से वो बोल रहा था खरीदना है खरीदना है खरीदना है, बेसिकली मेरे लिए, लेकिन वो ही बोलता था खरीदना है, मैं खरीद के दे सका, आज मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, तो मैं खरीद के दिया, वो गिफ्ट किया। हाँ। पैसा मेरा है, ऐसा ना सोचना, पैसा मेरा है, मेरा सेविंग्स है, इंसान क्या झूठ बोलता है। दोनों मिलके बोलो, दोनों मिलके। हाँ, दोनों का। हाँ, अभी सुनो, दोनों का है, दोनों का है, ठीक है। हाँ। चलो चलो, अभी यहाँ पे हुआ, बहुत दिन के बाद हम लोग बैठे, हम लोगों का टेबल आया, चेयर आया, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम स्पेंड करते, और एक टेबल फैन आएगा बस। ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड करता हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड चैनल को बहुत 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 ऊपर तक लेके जाना है, वो आप लोगों के हाथ में ही है। सो तब तक प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। तो
ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग पे।